हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आविदास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर को गर्म रखने के साथ साथ हमारे शरीर को ताकत भी देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे लिए हैं मेवे, ये नारियल है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिए हैं काजू, 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम ही किशमिश ली है। ये है 2 चम्मच तिल और 2 ही चम्मच खसखस। साथ में ही मैंने यहाँ पे एक कटोरी गोंद ली है, नारियल और ये 100 ग्राम मखाने लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन ले लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। और बिना तेल के ही हम सबसे पहले अपनी खसखस को रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी। तो ये तैयार है हमारी, इसे हम निकाल लेंगे। तो अब हम डालेंगे तेल, इन्हें भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और इन्हें भी हम बिना घी और तेल के भूनेंगे। ये देखिए, ये हो गया है, इसे भी निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे घी और सबसे पहले हम अपनी गोंद तलेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा घी डाल रहे हैं। घी गर्म हो गया है बहुत तेज़, तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे अब हम, और अपनी गोंद डालेंगे और इनको भून लेंगे। तो गोंद भी हमारी फ्राई हो गई है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम बादाम डाल लेंगे, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। तो बादाम भी हमारे फ्राई हुए हैं, इसे भी निकाल लेंगे अब हम। अब हम डालने जा रहे हैं अपनी काजू, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। तो काजू को भी निकाल लेंगे, ये भी हो गए हैं हमारे फ्राई। तो अब हम डालेंगे किशमिश, इन्हें तो बस हल्का सा यू करना है, घी में डालते ही देखिए फूल जाएंगी तुरंत। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करेंगे हम। तो हमारी किशमिश भी फ्राई हो गई, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे मखाने, तो इनको भी हम करारा होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मखाने भी हमारे करारे हो गए, इन्हें भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, करीब 200 से 250 ग्राम होगा ये। अब हम अपना आटा भूनेंगे, तो हमें थोड़ा घी ज़्यादा लेना होगा। घी को हम गर्म होने देंगे,
तो घी गरम हो गया है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे अपना आटा। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे जब तक इसका रंग थोड़ा सुनहरी नहीं हो जाता और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। गोंद के लड्डू में फ्रेंड्स आटे का ही बहुत अच्छा वो होता है कि मतलब आटा बहुत अच्छे से भुना हुआ होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए या कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस रख के हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनना होगा। जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा आटा भी भुन गया है। अब हम इसे हटा देंगे, ठंडा होने रख देंगे और अब हम अपने ड्राई फ्रूट सभी को पीस लेंगे। इन्हें बारीक नहीं करना है, ये देखिए थोड़ा दरदरा ही पीसना है, तो सभी को हम इसी तरह दरदरा सा पीस लेंगे। और किशमिश हम ऐसे ही डाल लेंगे, इनको नहीं पीसने की ज़रूरत है। और नारियल भी वो मैंने पीस के ही लिया था तो इसे भी हम डाल लेंगे। तो अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के बूरा लिया है, आप चाहें तो खांड भी ले सकते हैं। और इसे मिला लेंगे हम अच्छी से। तो लीजिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स, गोंद सब हमने पीस लिया है और ये हमारा आटा है ये भी थोड़ा ठंडा सा हो गया है। तो अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया, हाफ क्वांटिटी हो गई है। और इसमें मैंने गरम करके ये घी डाला है, करीब 200 से 250 ग्राम घी है ये। घी आप उतना डालिए जिससे आपके लड्डू जो हैं वो बन सकें, तो घी आप देखकर डालिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मैंने इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लिया है घी को इसमें। अब हम देखेंगे कि हमारे लड्डू बन रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं बंधे तो हम थोड़ा घी और ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स लड्डू तो बन रहे हैं, तो हमें इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने सभी लड्डुओं को इस तरह से तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो इस विंटर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक मिलते हैं अगली रेसिपी में।